आज ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब के डायरेक्टिव्स पे पाकिस्तान का दिल, पाकिस्तान की पहचान कराची, एक ऐसा शहर जिसको रब ने नवाजा इस मुल्क के लिए, और फिर फादर ऑफ द नेशन कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह का ताल्लुक इस शहर और इस धरती माँ से। आज चर्च और चर्च की अहमियत, और फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत बीबी मरियम, इंजील, इस मुल्क का आईन जो कुरान और सुन्नत के ताबे है, और मुसलमान के ईमान की निशानी में से एक निशानी है कि जो इंजील पर ईमान ना लाए, जो ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ना लाए, जो हज़रत बीबी मरियम पर ईमान ना लाए, उसका ईमान कामिल हो ही नहीं सकता और वो मुसलमान हो ही नहीं सकता। जब हम इंटरफेथ हार्मनी की बात करें, चाहे वो जूज हों, चाहे वो तौरात हो, चाहे वो जबूर हो, चाहे वो मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के अंबिया इकराम हो, तमाम कलमगो का ये ईमान है कि जिनका उन पर ईमान नहीं वो मुसलमान नहीं। इसी तरह रियासत पाकिस्तान का जो आईन है, जितनी भी हमारी यहाँ पे अकलियत, जिस मज़हब और जिस सोच, चाहे वो मसीही हमारी माएँ बहनें जवान कैथलिक हैं या प्रोटेस्टेंट हैं या एंजेलिक हैं या जिस स्कूल ऑफ थॉट के हैं, वो मेरी धरती माँ के हैं, वो रियासत पाकिस्तान के हैं, उनकी इज्जत किसी भी मुसलमान की तरह उतनी अहमियत की हामिल है जिसका कोई तसव्वुर कर सकता है। और यही फलसफा फादर ऑफ द नेशन का, और आज के नए पाकिस्तान और मदीना की रियासत में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का भी ये विजन है। साथ ही साथ मैं ये आपको बताऊं कि आज मैसेज ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का क्या है कि कोई गुरुद्वारा हो, मंदिर हो, चर्च हो, किसी भी सोच और फिक्र की, मजहबी अकीदे के हवाले से कोई बुनियाद से जुड़ी हुई चीज हो, उसकी हकीकत, उसकी इज्जत रियासत पर फर्ज है, और पाकिस्तान उसको इज्जत तो देगा देगा, उसको वैल्यू करेगा। और यही वजह है कि आज आपके इस दिन की खुशियों में प्राइम मिनिस्टर ने तमाम चर्चेस अक्रॉस पाकिस्तान, तमाम फेडरेटिंग यूनिट्स में जाएं, उनसे मिलें, उनको ये एहसास दिलाएं कि वो हमसे हैं और हम उनसे हैं, यानी वी आर वन बॉडी एंड वन सोल। ये रियासत पाकिस्तान का सबसे लाली परचम के साए तले हम सब एक हैं। टुगेदर वी विल राइज एंड शाइन, टुगेदर वी विल मेक अ डिफरेंस। आपके बच्चे इस कौम के बच्चे हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटीज, एक्सेल करें, मुख्तलिफ फील्ड्स में आगे आए, और उनको ये एहसास दिलाया जाए कि अब आपके साथ किसी किस्म की ज्यादती और महरूमियाँ नहीं होंगी। हम वी विल टेक यू सीरियसली एंड वी हैव मेड अ कमिटमेंट कि आपके साथ कोई इन द नेम ऑफ रूल ऑफ लॉ, इन द नेम ऑफ सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, इन द नेम ऑफ ह्यूमैनिटी, कोई भी आपको अब अंडरमाइन नहीं कर सकेगा इंशाल्लाह। तो आज की बाबरकत खुशियों में हम आपको मुबारकबाद देते हैं, और आफताब भाई, शकूर भाई और समीर भाई, हमारा लीडर, ये जो टीम है और इनके साथ बहुत सारे, ये मुझे हर जगह लेके जा रहे हैं, और ये भी मेरा तकरीबन तीसरा या चौथा चर्च है जहाँ के मैं आगे पीछे जा रहा हूँ। सो इन द एंड आपसे रिक्वेस्ट है, कौमें कब बनती हैं? कौमें तब बनती हैं जब उनके दिलों में इंसानों के लिए और इंसानियत के लिए हमदर्दी हो। जब हम इंसानों को इज्जत देंगे, रब हमें इज्जत देगा। मुस्तकबिल हमारा है, पाकिस्तान एक हकीकत है। पाकिस्तान में अब मजहब के नाम पे, मसलक के नाम पे, सोच और फिक्र के नाम पे कोई
किसी के साथ ज्यादती नहीं कर सकेगा इंशाल्लाह। इंसानियत हमेशा हमेशा के लिए जिंदाबाद, आप सब हमेशा हमेशा के लिए जिंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा हमेशा के लिए पाइंदाबाद। थैंक यू सो मच। सलाम राणा साहब, क्रिसमस के मौके पे आप आवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे? वफाकी वजारत इत्तला व नशरियात के प्रोजेक्ट पाकिस्तान पीस कलेक्टिव की जानिब से हम तमाम पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर रहने वाले मसीह भाइयों को हैप्पी क्रिसमस कहते हैं, मैरी क्रिसमस कहते हैं। हुकूमत पाकिस्तान, वफाकी वजारत इत्तला व नशरियात, हम सब जो हैं आपके साथ हैं। हम आपके लिए सहूलत पैदा करने के लिए अपनी तमाम तर सलाहियतों को बुरे कार लाएँगे, और हम समझते हैं कि हमारे मसीह भाई अमन के सफ़ीर हैं, उनकी तालीम में खिदमत, उनकी सेहत में खिदमत नाकाबिले फरामोश हैं। खाया वो उनके हॉस्पिटल्स हों या उनके स्कूल हों, तो उसके साथ साथ उनकी वो चीज़ें के जिसमें उन्हें हमारी सपोर्ट की ज़रूरत है, हम उनके साथ खड़े होंगे। और इसके साथ साथ बैनुल मज़ाहिब हमांगी का वो पैगाम आज जो हम उनके साथ क्रिसमस मना के दे रहे हैं, ताकि दुनिया देखेगी कि पाकिस्तान का असल चेहरा ये है। पाकिस्तान अकलीतों के लिए एक महफूज मुल्क है। पाकिस्तान में अकलीतों के हकूक का ख्याल ना सिर्फ ख्याल रखा जाता है, बल्कि अपनी जिम्मेदारियों का भी हमें एहसास है कि कायद अज़म ने फरमाया था कि अकलीतों को तमाम तर मज़हबी आज़ादियों का हक होना चाहिए। हम कायद के उसी फरमान के ऊपर चल रहे हैं, और हम दुनिया को कहना चाहते हैं कि पाक सरजमीन जो है वो अमन की अमीन है, और इस परचम के साए तले हम एक हैं। और पाकिस्तान में रहने वाले हर कौमियत, हर मज़हब, हर मसलक, हर ज़ुबान बोलने वाला, हर इलाकाई हैसियत रखने वाला पाकिस्तानी है। और आज आपने देखा हमारे साथ सिंध पुलिस थी, वफाकी वज़ीर शहरयार आफरीदी साहब थे, आज हमारे साथ बैनुल मज़ाहिब हमांगी कमीशन के सरबराह अल्लामा एहसान सदीकी साहब थे, आज हमारे साथ आलम वेलफेयर ट्रस्ट के सरबराह महमूद आलम साहब थे, आज हमारे यहाँ JDC के सरबराह ज़फ़र यहाँ मौजूद थे, इसी तरह अल्लामा सज्जाद शबीर साहब मौजूद थे। ये तमाम वो गुलदस्ते के फूल हैं कि जिनकी खुशबू से पूरा दुनिया मुनव्वर होती है। आज हमने सबको इकट्ठा किया था, और आज ये आपने देखा एक मैसेज किया है कि पाकिस्तानी अवाम जो हैं वो अमन की पहचान है, पाकिस्तानी अवाम जो हैं वो अमन चाहते हैं, और हम उनकी खुशियों में शरीक होने से ये दुनिया को वाजा पैगाम देना चाहते हैं कि पाकिस्तान एक महफूज मुल्क है। आएँ, दुनिया के टूरिस्ट सब इधर आएँ और आके देखें कि पाकिस्तान सकाफतों का एक ऐसा गुलदस्ता है, एक ऐसा मजमू है कि जिसमें आपको कराची से सियाचिन तक वेरिएशन मिलेगी, वैरायटी मिलेगी, और मोहब्बत और अमन का पैगाम मिलेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। सर, हमारे चैनल के लिए कोई खसूसी पैगाम देना चाहिए? मैं आपके चैनल के लिए खसूसी पैगाम है कि जिस तरह आपने क्रिसमस के इस प्रोग्राम को शूट किया, तो दुनिया भर में रहने वाले लोग जो हैं वो इस बात पर ज़रूर गौर करें जो इनके चैनल का नाम है, कि सोचना नहीं बोलना है, क्योंकि जब इंसान बोलता है तो फिर ही मोहब्बत के अफकार, मोहब्बत के ख्यालात, मोहब्बत के तसव्वुरात सामने आते हैं। और आप इस चैनल को देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकॉन भी दबाएं, ताकि हम दुनिया में जो पैगाम है इंसानियत का वो दे सकें, और जो कनाडा के वज़ीर आज़म भी हैं वहाँ तक भी ये पैगाम पहुँचेगा, क्योंकि चैनल की वहाँ से शुरुआत हुई कि पाकिस्तानी अवाम जो है अमन की पहचान है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ज़ायदा परवीन, आज सिक्योरिटी चेक करने के हवाले से विज़िट हुआ मेरा चर्च का, तो इनकी इंतज़ामिया और तमाम से मिलकर बहुत खुशी हुई, और यहाँ की सिक्योरिटी ओवरऑल बेहतर बनाने के लिए इंतज़ामिया से शुरू से रबता रहा हमारा, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही एक अच्छी कोऑपरेशन, और उसके साथ उनके वॉलंटियर्स के साथ जो हमारी ट्रेनिंग्स रहीं और ब्रीफिंग्स रहीं, तो आज के दिन के हवाले से बस यही मैसेज है कि इंटरफेथ हार्मनी और ओवरऑल जो पाकिस्तान में पीस है उसमें लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज और हमारी गवर्नमेंट और हमारी आवाम तमाम का जो है एक साथ रहा है, और इसमें इंशाल्लाह तमाम कम्युनिटीज़ को हमारी तरफ से यही मैसेज है कि पाकिस्तान में जो पीस है वो हमारी यूनिटी की वजह से है। अगर हम एकता है, हमारे बीच में एक हार्मनी है, तो कोई दुश्मन हमारा बाल भी वाका नहीं कर सकता। तो इसी मैसेज के साथ आज के दिन तमाम क्रिश्चियन कम्युनिटी को क्रिसमस की मुबारक, और इस अहद के साथ के इस एकता को, इस इंटरफेथ हार्मनी को हमें कायम और दायम रखना है। थैंक यू।